अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम लोग जा रहे हैं आज एक सेल्फी आर्ट कंपटीशन है, वहाँ पे जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या होगा। बहुत बहुत एक्साइटेड होने वाला है ये व्लॉग और आप लोगों ने ये व्लॉग पूरा देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तो आप करते ही नहीं है, जैसे आप लोगों को लाइक करने के आपके पैसे लगते हैं, वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करें। आप कुछ कहेंगे? बस लाइक कर दें और बस अभी जा रहे हैं, गर्मी काफ़ी है, दिल जाने को नहीं कर रहा, ईद की घर पर रह के तो बस चले निकलते हैं और हमारे साथ रहिएगा। अभी बस जा रहे हैं, रास्ते में दिखाएंगे आपको ज़्यादा। जी अभी हम बस निकल रहे हैं, थोड़ा सा रास्ते में चीज़ें लेनी थी और एक फ्रेंड को लेना था तो बस अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे। हाँ जी, कितनी देर है? बस थोड़ी देर है, वो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। देखते हैं हम लोग और बस निकलते हैं फैजाबाद के लिए। हाँ, बाहर गर्मी काफ़ी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कमिटमेंट की ये, वरना हमने जाना नहीं था। तो कॉल भी आई उधर से, उनकी कॉल आई है। कॉल आई है, वो पूछ रही हैं कि आप आ रही हैं। हाँ, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रास्ते में। हाँ। मोटरवे का टेम्परेचर भी बताते हैं। हाँ, डिटेल्स आपने मेरी जरूर देखनी है। अभी शायद हम फैसलाबाद से आगे एक और जगह भी शायद जाए, गोजरा पता नहीं, हम फैसलाबाद से आगे है या पीछे है ये तो नहीं पता। आगे आता है फैसलाबाद से आगे, हम वहाँ जाएंगे जरूर, वहाँ पे भी हम वीडियोस बनाएंगे। चलो चलते हैं फिर। जी हम पहुंच चुके हैं सेल्फी आर्ट वर्ल्ड में और ये सारा स्टाफ है वहाँ का और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ और टिकटॉक बनाने के लिए 60 ऐसे उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जहाँ डिफरेंट तरह के आपको इमेजेस मिलते हैं, आपको सिटिंग के मिलते हैं, घर के इमेजेस मिलते हैं कि आप वहाँ अच्छी अपनी वीडियोज़ अपनी मेमोरीज को जो कैप्चर कर सकते हैं। और इसकी टिकट कितनी है, आइडियाज़ काफ़ी होते हैं, आइडियाज़ काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं और टिकट कितनी है और किस जगह पे है ये अभी आपको आगे चल के बताते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है और न्यू ही बनी है अभी तो आप लोग ज़रूर जाएं फैमिली के साथ, जो लोग सेल्फी लवर्स हैं और टिकटॉक बनाते हैं शौक़ से, उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है ये। और जिनको जगह ही नहीं मिलती वीडियो बनाने के लिए, ये ऐसी जगह है कि शायद यहाँ जगह खत्म ही नहीं होती, खत्म ही होगी, आप खुद थक जाओगे और आपको यार अभी तो बहुत कुछ रहता है। और मैंने ये सारी जगहों पर वीडियोज़ नहीं बनाई थी, कुछ जगह पर मैंने बनाई थी, कुछ जगह पर हमने वीडियो ऑलमोस्ट 10 वीडियो हमने बनाई है बस, लेकिन बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अभी दोबारा जाऊँगी ज़रूर वहाँ पर, मैं फिर आपको बताती हूँ वीडियो के लास्ट में कि इसकी टिकट कितनी है और ये कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात के हर कॉर्नर हर फ्रेम के लिए कॉस्ट्यूम भी उनके पास था। हाँ, आप कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम वहाँ पे होंगे, आप सिर्फ अपने बहुत ही कम प्राइस में उन्होंने टिकट रखी हुई है। इस तरह की लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से आपके कॉस्ट्यूम होता है, आप उसको चेंज करो। अब जैसे ये एक रिक्शा है और ड्राइवर का एक कॉस्ट्यूम पड़ा होता है, आप ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहने और वहाँ आप अपनी वीडियो बनाएं, आप वीडियोस में देखेंगे कि मैंने भी कुछ कॉस्ट्यूम्स यूज किए हैं। हाँ। और मैं बहुत प्यारी लग रही थी वैसे उसमें, बिल्कुल मरियम डॉक्टर लग रही थी उसमें। इस मरियम डॉक्टर मैं, ये देखें यहाँ पे मैंने डॉक्टर के कॉस्ट्यूम पहना था और मैं वाकई डॉक्टर लग रही थी। चले लंच करते हैं, लंच टाइम हो गया है हमारे। और ये ना समझे ये असल का लंच है, ये भी एक उन्होंने कॉर्नर बनाया था जहाँ डाइनिंग हॉल बनाया था उन्होंने। ये देखने में ऐसे लग रहा था। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं बीच पे और ये हम थाईलैंड चले गए, थाईलैंड चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा व्यू नहीं नजर आ रहा है क्योंकि ये वीडियो दूसरे एंगल से बनी हुई थी,
इसकी पिक्चर मैं ज़रूर ऐड करती हूं। पिक्चर आपको अभी शेयर करते हैं इसकी प्रॉपर, जो पीछे से पूरा व्यू आएगा, बीच का पूरा व्यू आता है। मैंने पाकिस्तान में बैठ के थाईलैंड का बीच को एंजॉय किया है। ये वो पिक है। चलें फिर चलते हैं, ज़रा बाल शाल सही करते हैं और मेकअप को दोबारा फ्रेश करते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी वीडियोस बनानी है सेल्फी आर्ट वर्ल्ड में। और ये बहुत वैसे मज़ा आया, ये देखें हम बाइक पे भी बैठे थे, ये राइड हम लोगों ने की थी, तो लेके तो कहीं नहीं गए, वहाँ पे ही बैठे रहे हम लोग। खान साहब के साथ विक्की ने बहुत बातें की, बिल्कुल हाँ, काफी चीजें थी। और ये भी कहा कि मुझे क्यों नहीं जलसे में बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो कहते लाहौर आऊंगा तो जरूर मिलके जाऊंगा। कुछ बातें मैंने भी उनके साथ करनी थी, इमरान भाई के साथ। इमरान भाई के साथ लड़कियों के कुछ मसले मसाइल थे, इमरान भाई के साथ मैंने भी कुछ बातें करनी थी। और आए आपको अब बताते हैं कि ये किस जगह पे है और इसकी टिकट प्राइस कितनी है। और इस जगह ये देखें, ये एयर स्पेस का भी है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का स्पॉट बना हुआ, यहाँ आपने उल्टे लेटना होता है तो ऐसे फील होता है जैसे आप स्पेस में हैं। उसके बाद ये आपके बर्थडे का आ जाता है सेटअप, यहाँ बर्थडे भी आप कर सकते हो सेलिब्रेशन। और ये कुछ बच्चों के कार्टून्स हैं, करेक्टर्स हैं जो उनकी भी लगी हुई हैं काफ़ी पिक्चर्स। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा था, एक व्यू देखने वाला था। ये सभी जो इमेजेस जो हैं ये आपके। और इसकी एंट्री जो फीस है वो है 250 रुपीज़। हाँ जी बिल्कुल, 250 रुपये एक बंदे के हैं। और ये फैसलाबाद में है, इसका जो लोकेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। और 250 इन बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सारा दिन जितना भी टाइम इनका होता है आप उधर कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा आपने 5-10 वीडियोज़ बनाई है चले जाएँ। तो और अब आपको हमारा ब्लॉग ये कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।